हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस सिरा। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक? बढ़िया। आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम एसर्शन रीजन है। और जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि एसर्शन रीजन लेकर आऊँगा मैं, तो चलिए एसर्शन रीजन को समझते हैं, एसर्शन रीजन को देखते हैं। एसर्शन रीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से टॉपिक होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि एसर्शन रीजन MCQ, केस बेस्ड स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड स्टडी से थोड़ा सा अलग होता है। और ये कंपटीशन में, जैसे बैंकिंग में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जो गवर्नमेंट बेस्ड पे होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। और उस तरह से क्वेश्चन अब हम लोगों के CBSE बोर्ड में भी दिए जा रहे हैं। और लगभग ये 2018, 2019, 2020, 2021 और अब 2022, 2023 में भी पूछे जाएंगे। सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन एसर्शन रीजन का था, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों को एसर्शन रीजन का कुछ नोट्स भी दिया जाए। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हाजिर है आपके सामने। फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने जो दिख रहे हैं, इसके दो स्टेटमेंट होंगे, एक का नाम एसर्शन होगा और एक का नाम रीजन होगा, जिसको शॉर्ट में ए कैपिटल ए और कैपिटल आर। मैं आपको ए और आर के नाम से आपको बताऊंगा, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा ए और आर का बेस पे। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे चार पॉइंट जो है, ऐसे कि MCQ क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MCQ में जो है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद चार ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ होंगे और ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोथ ए एंड आर, तो मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताकर हम आपको बैक से बताते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लिखा गया है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मीन्स टू से डेट कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा एसर्शन रीजन, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसर्शन लिखा और रीजन लिखा हुआ, इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो रीजन है वो सही है, ठीक है ना, लेकिन एसर्शन में जो भी बात लिखी हुई है वो गलत है ना। अगर ऐसा हुआ तो आप ऑप्शन डी मारेंगे, बिना कुछ ऑप्शन देखे हुए क्वेश्चन देखे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन होगा, वो आपके बुक से होगा, यहाँ पे आपके मीन्स जो आप पढ़ के जाओगे उसके बेस पे नहीं होगा, है ना। इसको बहुत अच्छा से समझना है क्योंकि बेसिक है। बोला गया कि अगर आपका एसर्शन गलत है और रीजन सही है तो आपका ऑप्शन डी होगा। इसको आप थोड़ा सा रिवर्स में कर देते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट कि अगर आपका एसर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोबारा समझ में आ गया बात आप लोगों को। अगर आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका एसर्शन गलत है, रीजन सही है तो ऑप्शन डी होगा, और अगर एसर्शन सही है और रीजन गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दो बात बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप समझाते हैं बी और ए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इसमें समझ कन्फ्यूज़न यह है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही या दोनों अलग अलग बात को डिफाइन कर रहा है, मीन कि एक बता रहा कुछ और दूसरा बता रहा कुछ और, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इसी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ही क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूँ, है ना। चलिए मैं इसको क्वेश्चन समझा। लिखा कि प्लांट्स लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये बात बिल्कुल सही है कि प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, बिकॉज वी हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन जस्ट लाइक लंग्स, वी हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन जस्ट लाइक अ किडनी, बट प्लांट के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। उसमें कोई एक्सक्रीटरी और लंग्स किडनी के नाम पर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बात भी सही है। और दूसरा पॉइंट लिखा, प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये बात भी सही है, हमारी बॉडी क्या करते हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो पॉइजनस थिंग्स है तो ऑल्सो एब्जॉर्ब, एसेंशियल तो उसको भी एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ये एब्जॉर्ब केवल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। अब देखो प्लांट्स में ऊपर में एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया और नीचे में एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया, ये दोनों बात अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन दोनों बात किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। एक एक्सक्रीशन के बारे में बता रहा तो दूसरा एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो देन यू हैव टू राइट द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं आपको लास्ट ऑप्शन का। तो पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन देख लिया आप, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यू नो एन एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके लैब प्रोसेस में, जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल,
ठीक है। तो यहाँ पे एन एरोबिक लिख रहा है, एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एन एरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये बात आपको पता ही होगा। तो अल्कोहल तो होता ही होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि इस एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक में ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो लाइन लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, जिसमें एक प्रोडक्ट अल्कोहल दिखा रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, आप लोग पता होगा। तो बोला गया कि इसी के बारे में, जो एन एरोबिक में जो ग्लूकोज अल्कोहल में कन्वर्ट होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, याद रहेगा आप लोग, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो एसरसन में जो भी बात लिखा हुआ है उसी में से कोई एक की पॉइंट को रीजन में डिटेल कर किया जाएगा, समझ रहे बात, याद रहेगा आप लोग को। अब मैं आपको चारों ऑप्शन को समझा दूँ, फिर से रिकैप कर लेता हूँ मैं, कि अगर आपका रीजन एसरसन गलत है, रीजन सही है तो आपका ऑप्शन डी होगा, अगर आपका एसरसन सही है और रीजन गलत है ऑप्शन नंबर सी होगा, अगर आपका एसरसन और रीजन दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग बात बताता है तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, और अगर एसरसन सही है और रीजन भी सही है और एसरसन में कोई ऐसा की पॉइंट है, कोई ऐसा मेन पॉइंट है, उसी मेन पॉइंट को, उसी मेन वर्ड को जो है रीजन एक्सप्लेन करता है, देन वी कैन कॉल इट द ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन एसरसन में एरेबिक नहीं बल्कि एन एरेबिक रेस्पिरेशन को डिटेल किया जा रहा, उसी के बारे में नीचे में एक्सप्लेन किया जा रहा भैया, एन एरेबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिएगा, इन प्लांट देयर इज नो नीड स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, प्लांट में कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन स्टोमाटा से भी कर लेता है और दूसरा लेंटी सेल्स भी कर लेते हैं, ये भी मैं आपको एमसीक्यू में बता रखा हूँ मैं, ठीक है ना, ये हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। स्टोमाटा से भी वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं और लेंटी सेल्स भी कर लेते हैं। प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, बोला गया कि इसके पास स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है भाई, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, इसलिए उसके पास कोई ग्रेटर डिमांड नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो उसके पास मस्कुलर ऑर्गन नहीं है, उसके पास ब्रेन सिस्टम नहीं है, उसके पास वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस नहीं होते हैं, इसलिए ये जो बात जो लिख रहा है उसी बात के एक्सप्लेन मेरा रीजन कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ में, चलिए फटाफट, बहुत सारा क्वेश्चन रखा हूँ एकदम ध्यान से, जो लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा तो सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, आते हैं, और नहीं आया तो इसके बेस पे आएंगे। लिखा क्या, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, सही बात है कि बाइल क्या करता है, इमल्सीफाइड करता है, याद रहेगा आप लोगों को, इमल्सीफाइड, ये मैं आपको बता दिया, इमल्सीफाइड ऑफ फैट, फैट को ब्रेक कर देगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और बाइल कॉन्टेन एंजाइम, तो पहला बात भैया बाइल जो है एंजाइम हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी, ठीक है, क्योंकि रीजन आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा भाई साहब, देखिए ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीजिए ये बात बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली जो है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बात भी सही है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहला जो होता है वो होता है बकल कैविटी में, सेकंड नंबर कहाँ पे होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं। और पैनक्रियाटिक, देखो ये बात कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन किसके बारे में बात हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे कोई एंजाइम के बारे में बात नहीं हुई, किसके बारे में बात, स्पेशल कीवर्ड कौन मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसमें कीवर्ड कौन मेरा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, कॉन्टेन एन एंजाइम जिसका नाम लैक्टेज, एक बात बता दूं मैं, लैक्टेज जो है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज करता है,
है ना, आपके बुक में ऑलरेडी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस, ये दो वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड लैक्टेज को रिलीज करता है ताकि लैक्टोज को वो कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, और ये पैनक्रियाटिक जूस नहीं देता, इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आपको बता दिया हूं मैं कि रीजन गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर सिक्स। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लीजिए उल्टा बोल दिया, तो भैया ये पहले ही गलत है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होंगे और ऑक्सीजन प्रेजेंस होंगे तो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन, यहाँ पर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे है ना, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ऑप्शन बिना सोचे समझे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है ऑप्शन नंबर डी दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग शुरू में देख लिए थे कि जैसे ही रिएक्शन गलत होगा सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, ऑप्शन डी दे देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन बिल्कुल बोला गया, आर्टरी का थिक वॉल होता है, ये बात सही है, बिल्कुल इलास्टिक होता है, ये बात भी सही है। क्यों भाई ऐसा होता है, क्योंकि इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्ट की तरफ से हार्ट टू बॉडी, ठीक है, इसलिए इसका हार्ट ब्लड हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए उसका इलास्टिक वॉल बहुत ज़्यादा, आर्टरी वॉल जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा और बहुत ज़्यादा थिक होगा, ये बात सही हो गया, ऑप्शन सही है। आर्टरी है टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ही मैंने आपको पहले ही लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, सही है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्यों भाई, क्योंकि आर्टरी के बारे में, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आर्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, आर्टरी के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी, यहाँ पे एसर्शन क्या बता रहा भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर बता रहा और रीजन क्या बता रहा, फंक्शन बता रहा है। आर्टरी हैव ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो रीजन में क्या बता रहा है, उसका फंक्शन बता रहा है, और एसर्शन में क्या बता रहा है, उसका स्ट्रक्चर बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर। अगर आर्टरी के वॉल के बारे में या उसके इलास्टिक के बारे में बताया जाता तो वहां पे उसका हम लोग क्या करते, ऑप्शन नंबर ए कर सकते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट है फोर चैम्बर्ड, सही बात है या गलत बात है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एट क्या सही है कि गलत है, सही है। वेना कावा इज द ओनली आर्टरी, लीजिए पहला बात यहाँ पे तो ये गलत हो गया, वेना कावा से क्या भाई, वेना कावा से बॉडी से आता है और वो आर्टरी नहीं होता, ये क्योंकि नाम ही है वेना कावा, देन इट विल वेन, इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए कितना आसान है, कितना आसान है, देख रहे हैं आप लोग, एकदम जल्दी जल्दी सब बच्चों को बोलिए कि वीडियो को जल्दी से आके देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से ऐसा रीजन क्लियर कर रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लैब प्रोसेस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, एनर्जी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी भाई साहब, जल्दी बोलिएगा, लैब प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होगी, होगी, हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सही है। और ये एनर्जी इज ऑप्टेन, अब देखो एनर्जी के बारे में बात, एनर्जी किसके बेस पे है भाई, लाइफ प्रोसेस के बारे में, एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा, मतलब एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ये भी सही है, और ये एनर्जी का एक्सप्लेनेशन ऊपर में भी, एनर्जी का एक्सप्लेनेशन नीचे में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एकदम बहुत अच्छा से देखिएगा, एकदम बहुत मजा आएगा आप लोगों का, ठीक है। रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, थ्रोट पे रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं सी शेप के होते हैं, ठीक है। दिस एंश्योर, मतलब इसी के बारे में बात, दिस एंश्योर्ड एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये बात भी सही, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज दिया जाता ताकि ये सिकुड़े नहीं है, क्योंकि सिकड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो प्रेशर, एयर प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा, इसलिए ये बात NCERT में लिखा हुआ है और ये बात दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होंगे। 11 नंबर हम लोग आते हैं, ध्यान से चलिए देखते, चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर लिखते हैं कि पायरुवेट इज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट जो है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है कि नहीं है, पहला बात बता दूं मैं, ये सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल होता है नहीं, ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल होता है, याद रखिएगा आप लोग, इसलिए ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एकदम ध्यान से जल्दी जल्दी चलते रहिए आप लोग। 12 में लिखता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ, मीन्स लाइफ को होने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना जरूर, मॉलिक्यूलर मूवमेंट मतलब
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इनहेलेशन एक्सलेशन होता है, ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड के बाद सेल्स के अंदर जाते हैं, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, वहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल हो रहे कि नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल आर नीडेड कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब यहाँ पे तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो लिखा, इसके अलावा यहाँ पे मैं प्रोटीन लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिपिड लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं वाइटमिन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं वाइटमिन लिख सकता हूँ। क्लियर है, समझ रहे बात नहीं? यहाँ पे वाइटमिन, तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, मॉलिक्यूलर है। तो बोला क्या भाई, यहाँ पे समझिएगा कि बोला मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसके लिए ज़रूरी है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ किस में होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? बॉडी बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी पढ़े, और सेल मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन का जो जो बना हुआ सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ, और उसके साथ में क्या अटैच है, उसके साथ में अटैच है ग्लूकोज। क्लियर है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, क्योंकि इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है नीचे, क्योंकि ऊपर में मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल एक्सप्लेनेशन नीचे में भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एनसीईआरटी का साफ लाइन, क्योंकि डिफ्यूजन कभी भी मल्टी सेलुलर से नहीं हो सकता। मल्टी सेलुलर में डिफ्यूजन अगर होगा तो इट टेक टाइम। डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस बट अकर्स एट द सर्फेस ऑफ द बॉडी। डिफ्यूजन जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है और ये हमारे बॉडी के सर्फेस पे होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बॉडी के सर्फेस पे नहीं होता, बल्कि किस पे होता है, सेल्स के सर्फेस पे होता है, बॉडी के सर्फेस से होता ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए गलत है, गलत है मतलब ऑप्शन नंबर सी। एंड ऑप्शन नंबर, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं है? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गार्ड सेल से ही क्लोज होता है, ओपन होता है क्या, स्टोमाटा, ठीक है। और स्टोमाटल पोर्स आर एट द साइड ऑफ एक्सट्रीम गैसेस। क्यों भाई? यहाँ पे देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा हुआ है किसका, स्टोमाटा का, और वही बात स्टोमाटा का ओपन एंड क्लोजिंग क्यों हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 14 नंबर का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, आपको लगेगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, स्टोमाटा पोर आर द साइड। अब एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा, यहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं इसको अच्छा से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। देखो यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके द्वारा हो रहा है, गार्ड सेल के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन किसके बारे में है भाई, गार्ड सेल के फंक्शन के बारे में, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टोमाटल पोर का, यहाँ पे फंक्शन किसका है भाई, स्टोमाटा के पोर का। तो यहाँ पे देखो, पहला पार्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल कर रहा है, ये बात सही है। और नीचे में क्या हो रहा है कि स्टोमाटल पोर का क्या फंक्शन है, मतलब स्टोमाटा क्या फंक्शन है, गैसेज एक्सचेंज करने का। यहाँ पे दोनों बात आपको लग रहा होगा कि ये दोनों, ये ऊपर का एक्सप्लेनेशन रीजन में कर रहा है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ऊपर में जो है गार्ड सेल का फंक्शन दे रहा है, नीचे में स्टोमाटा का फंक्शन दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे माय डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे लोग कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। एक बात मैं बता दूं आपको, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 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 यूरिन जो है इंटेस्टाइन से कभी नहीं होता है, इसलिए ये गलत है, इसलिए डी हो जाएगा। द इनर लाइनिंग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक विली। सही बात है, ये बात सही है। अब विली, अब देखो विली क्यों भाई, फिंगर लाइक प्रोसेस विली इज इंक्रीज सर्फेस ऑफ द पोर एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि विली क्यों होता है, इसलिए क्योंकि वो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि ऊपर में जो विली के बारे में बोल रहा है कि मिलियंस ऑफ विली प्रेजेंट है, क्योंकि विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए विली प्रेजेंट है। मतलब ऊपर वाला विली को नीचे वाले पार्ट में जो एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया। इन ह्यूमन बींग
इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन. सही बात है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन विच हैव द हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात 100% सही है. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन हो जाता तो ये बात एकदम सही हो जाता, और क्या हो जाता भाई साहब, ये हो जाता ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन नंबर सी होगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 18 की तरफ. अब देखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन रहा, मजा आ रहा. द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी. अब देखो एक मिनट, अभी आपके में देखिएगा टाइमिंग चेक कीजिए, मतलब एकदम एक मिनट के अंदर एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा. द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट, मैंने क्या बोला गया, द प्लांट स्टोर, देखिए द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट. इन देयर बॉडी पार्ट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन देयर बॉडी पार्ट में प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट किसके फॉर्म में होता है, ये होते हैं वैक्यूल्स के फॉर्म में. ठीक है, वैक्यूल्स में वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को मीन्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को जमा कर लेते. ठीक है, अब रेफाइड जो है ये आपके एनसीईआरटी का सबसे आखिरी पार्ट, रेफाइड एज अ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, देखो यहाँ पे किसका फंक्शन बताया जा रहा है, वैक्यूल का फंक्शन बोला, और रिफाइड के बारे में यहाँ पे रिफाइड द वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, ये बात ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ऊपर का बात किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में बात है, नीचे के बात किसके बारे में, रिफाइड्स के बारे में बात, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइडियर बी हो जाएगा. अब 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. लिखा गया द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड. ठीक है, क्या बोला गया कि जाइलम का काम हमेशा क्या होता है, अपवर्ड ही होता है. ये बात आपको पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको कि ये हमेशा अपवर्ड होता है. अब यहाँ पे जो अपवर्ड का कहानी है, अपवर्ड का कहानी, अपवर्ड क्यों होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन. ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसपिरेशन. अब यहाँ पर 19 नंबर बोल रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो है लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन का क्रिएशन होना. यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए कि जाइलम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं बात से, लेकिन ऊपर लेके पूरा नहीं जा सकता. क्यों, क्योंकि ऊपर में ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ऊपर की ओर खींच रहा है. इसलिए यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट को नीचे का पार्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स नहीं बोलेंगे, एनी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, कोई भी ग्रीन पार्ट्स हो, चाहे वो फ्लावर हो, फ्रूट हो, स्टेम हो, रूट्स हो, अगर वो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में. द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट अ पर्सन इज 80 पर मिनट. ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पहला बात कि 80 पर मिनट होता ही है. ठीक है, कितना, 120/80 mm/Hg. ठीक है ना, तो यहाँ पे 80 पर मिनट होता ही नहीं है. ठीक है ना, 72 होता है. ठीक है, चलिए 72 80 नहीं होता, 1 इसमें तो इसमें क्या होगा, डी होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है. ठीक है, ये तो होगा ही होगा डी. चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ चलते हैं. लिखा गया यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर. ठीक है, सही बात है कि यूरेटर्स ही करता है, क्योंकि आपको पता होगा किडनी है, किडनी में से क्या निकल, यूरेटर और ये यूरिन ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो ये यूरेटर है. ठीक है, ये बात सही है, सही है, सही है, सही है. चलो अब आगे, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा, ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा. चलिए आगे चलते हैं, स्पीड कम हो गया, थोड़ा स्पीड को और मेंटेन करते हैं, और स्पीड को बढ़ाते हैं थोड़ा सा. वेंटिकल्स, वेंटिकल समझ रहे हैं, ऑरिकल्स वेंटिकल्स समझते हैं, हार्ट का फोर चैम्बर, अपर को हम लोग एट्रियम बोलते हैं, नीचे को वेंटिकल बोलते हैं. वेंटिकल्स हैव थिक वॉल देन ऑरिकल, सही बात है, क्योंकि नीचे में क्या होता है, इसलिए सही जरूरी है, इसलिए सही है क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है हम लोगों के हार्ट से ब्लड को बॉडी में और हार्ट से ब्लड को लंग्स में भेजता है, इसलिए ज़्यादा रेंज में भेजना पड़ता है, इसलिए उसमें वॉल थिक होना जरूरी है. क्यों, क्योंकि ब्लड वेस ऑर्गन टू ग्रेट प्रेशर, इसलिए जरूरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा. क्योंकि वेंटिकल्स क्यों मोटा वाल होता है, क्योंकि उसे ग्रेट प्रेशर में बॉडी के सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक भेजना पड़ता है. क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं गलत होने का. चलिए, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल, सही बात है, ब्लड वेसल सबसे थिनेस्ट होता है. कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी एंड वेन, 24 नंबर बात है यहाँ पे. तो बोला कि देखो कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन. देखो
कैपिलरीज आर द थिनेस्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज के ब्रांचेस को, यहाँ पे आर्टरीज और वेन के ब्रांचेस को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है आर्टरीज और वेन से ही ये निकलता है, तो जो बनता है एक ब्रांच जिसका नाम कैपिलरीज होता है, वो उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 24 नंबर क्या बात बोला गया देखो, और दूसरी बात यहाँ पे क्या भाई कि पहला बात बोला गया कि कैपिलरीज का थिनेस्ट पार्ट है और कैपिलरीज कनेक्ट करता है, तो दूसरा क्या है कैपिलरीज का फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये क्या है स्ट्रक्चर है, और दोनों क्या अपने अपने जगह पे सही है, और दोनों सही है तो दोनों भी होगा, दोनों सही है तो दोनों भी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं, कैपिलरी जो होता है ना, ये मैं आपको समझाया, वो मान लीजिए यहाँ से ये आर्टरी आया और यहाँ से ये वेन, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रांच क्या होता है, ये हो गया ब्लड कैपिलरीज का, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, ये बोला क्योंकि ये कैपिलर मीन्स कैपिलरीज जो होता है ना आर्टरी और वेन को दोनों को क्या करता है जोड़ता है, ठीक है, सही ना, कनेक्ट करता है, जैसे जैसे मैंने अभी बोला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी ये क्या है, ये कैपिलरीज का फंक्शन है, ठीक है। ऊपर बोला गया कि इसके वाल जो है बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, सिंगल सेल्स के बने हुए होते हैं, तो ये बात ऊपर का बात जो है ये उसके स्ट्रक्चर को बयान कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, और नेचुरल पार्ट जो उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ब्लड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियुलर एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग, है ना, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं इसको, ड्यूरिंग एक्सचेंज क्या बोला 25 में क्या बोल रहा है भाई कि ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियुलर एयर, एल्वियुलर एयर मतलब लंग्स, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है रिलीज कर देता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ओ इज मोर इन एल्वियुलर एयर, है ना, तो बोला क्या द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वियुलर एयर, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के बाद इसको समझिएगा बढ़िया से, द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल, जब ये ऑक्सीजन लेगा समझिएगा पॉइंट को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा एल्व्यूलर एयर में, एल्व्यूली में क्या होगा, अभी एल्व्यूलर एयर में, एल्व्यूली के अंदर नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे CO2 बोलता तो बोलता है क्या ब्लड वेसल्स में, याद रखिएगा ब्लड कैपिलरीज ऑफ एल्व्यूली, ऑफ एल्व्यूली याद रखना, तो यहाँ पे बोला गया कि ये बात बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन और CO2 दोनों के बारे में बात हो रहा है ना, एयर ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पे, और नीचे में केवल किसके बारे में बात हो रहा है, ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है और दोनों बात बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, 26 की तरफ, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री, देखो लार्ज इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादातर जो है एरोबिक, क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है मीन्स ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल्स है तो उसमें एरोबिक करेगा क्योंकि नीड ऑफ एनर्जी, आप प्लांट्स होते तो वहाँ पर क्योंकि प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन आ चुके, प्लांट में उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करता है, उसमें मसल्स नहीं होते, उसमें ग्लैंड नहीं होते, उसमें मीन्स उसमें उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स, ये बात भी सही, ये बात भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊपर की बात अलग है नीचे की बात अलग है। मोर ऑफ द लिविंग और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ए होगा, लेकिन होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ऊपर में क्या लिखा गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है,
एरबिक रेस्पिरेशन को दोनों जगह पे एरबिक रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरबिक रेस्पिरेशन करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरबिक रेस्पिरेशन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। अब यह बॉयमेंस कैप्सूल या आगे किडनी के बारे में, ट्यूबल टुगेदर टू मेक अ नेफ्रॉन, सही बात है, बॉयमेंस कैप्सूल और ट्यूबल दोनों मिलकर क्या बनाता है नेफ्रॉन, ये बात बिल्कुल सही है। 28 नंबर, द फंक्शन ऑफ ट्यूबल इज टू अलाउ सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड यूरिया सॉल्ट वाटर इन टू द ब्लड कैपिलरीज, लीजिए उल्टा बोलती है यहाँ पे, यह बात गलत है ठीक है ना, इन टू द ब्लड कैपिलरीज। सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है, ब्लड से वापस खींच लेना, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन मतलब ब्लड से वापस खींचे, यहाँ पे बोला है कि इन टू द ब्लड डालते हैं, मतलब कि ट्यूब्यूल का फंक्शन है कि ट्यूब्यूल अपने अंदर से सारी चीज़ें किसमें डाल दिया जाएगा, ब्लड के अंदर जाए, इसलिए ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ 28 का क्या हो जाएगा, 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए 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 फटाफट फटाफट करते हैं ठीक है, 30 मिनट्स हो रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन करें, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च प्रोटीन एंड फैट, सही बात है, क्योंकि स्टार्च के लिए क्या निकालता है भाई, इसका ये माइलेज निकालता है, मैं यहाँ पर शॉर्टली लिख देता हूँ, मैं प्रोटीन के लिए क्या निकालता है भाई, पेप्टाइड निकालता है, और जो है आपका फैट के लिए क्या निकालता है भाई, इंसुलिन, प्रोटीन के लिए लिप ट्रिप्सिन निकालता, सॉरी प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं ट्रिप्सिन लिख देता हूँ, ट्रिप्सिन, और लिपेज फैट के लिए निकालता है, ये बात सही हो गई। 29 नंबर क्वेश्चन ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कॉन्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैनक्रियाटिक एमाइलेज ट्रिप्सिन एंड लिपेज, यहाँ पे 29 नंबर में क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे बोला गया कि पैनक्रियाटिक ट्यूब डाइजेस्ट करता है, तो मैंने आपको बताया था एमाइलेज, यहाँ पे आपको एमाइलेज दे रहा है, यहाँ पे ट्रिप्सिन, यहाँ पे ट्रिप्सिन दे रहा है, और यहाँ पे लिपेज, यहाँ पे लिपेज दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऊपर में बोला है डाइजेस्ट इससे ऐसे करता है, क्यों डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं, इसका नाम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, तो इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30 में लिखा गया था एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉजेस मसल्स क्रैम, 30 नंबर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज लेग मसल्स बोल रहा है रिस्पायर एनएरोबिकली, भैया लेग मसल्स क्यों, ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ पे तो मसल्स बोला जा रहा है, यहाँ पे मसल्स बोल दिया गया, लेग मसल्स कहाँ से कर दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे बोला गया फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स बोला गया, सही बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो होता ही होता है, आपको तो पता ही होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, फ्लोएम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट फ्लोएम कैसे कर सकता है भाई साहब, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट कैसे कर सकता है फ्लोएम, फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट कर ही नहीं सकता, वो तो स्केलेन काइमा कोलेन काइमा करता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे। अब आ जाते हैं ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, ये क्वेश्चन आ गया था, देयर इज नो एयर इन इट, देयर ट्रैकिया सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज, कौन भाई, रिंग ऑफ कार्टिलेज, क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे था रिंग ऑफ कार्टिलेज, यहाँ पे केवल कार्टिलेज, इसलिए ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बात सही, क्योंकि ऊपर में नहीं कोलैप्स होता है, क्यों, क्योंकि कार्टिलेज होते हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आपके सामने, जो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम एनसीईआरटी से ही है, और कुछ क्वेश्चन देखिएगा आप, इतना कुछ 32 क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको एकदम मिलता जुलता मिलेगा, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैंड, सही बात है ना, अब यहाँ पे एसेंट ऑफ सैंड, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जाइलम एंड फ्लोएम से नहीं होता है भाई साहब, ये तो केवल किससे होते हैं, जाइलम से होते हैं, इसलिए आंसर गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मीन्स रीजन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन प्लांट्स वाटर कॉलम इज एबल टू मूव अप टू द टॉप, वाटर कॉलम जो है कहाँ से नीचे से ऊपर तक की तरफ जाता है, और वाटर कॉलम कैन नॉट ब्रेक ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स, सही बात है, कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स, देखो एडहेशन का मतलब होता है वाटर प्लस वॉल ऑफ द सेल, वॉल ऑफ द सेल, और कोहेशन का मतलब होता है वाटर प्लस वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब कि वाटर कॉलम किसके थ्रू बन रहा है, किसके थ्रू बन रहा है, किसके थ्रू, कोहेशन एंड एडहेशन के थ्रू बन रहा है, इसलिए जो ऊपर में जो बात लिखा कि वही बात एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जल्दी जल्दी करते हैं ठीक है, स्टोमाटा ओनली अकर्स ऑन लीव्स, बात सही है गलत है,
स्टोमाटा कभी भी लिप्स के ऊपर में कभी भी नहीं हो सकते हैं, स्टोमाटा ग्रीन पार्ट्स में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है फोर, फोर बोला कि ट्रांसमिशन लोअर डाउन प्लांट टेम्परेचर। सही बात है, प्लांट जितना भी ज़्यादा इससे हम लोग में टेम्परेचर जितना ज़्यादा रिलीज होगा, हम लोग का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उतना ज़्यादा लोअर होगा, क्योंकि है ना इसको बोलते हैं हम लोग ओस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है, सॉरी थर्मो रेगुलेशन करना। और ट्रांसमिशन रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। भैया मिनरल से क्या मतलब है, वो तो वाटर रिलीज करते हैं ट्रांसमिशन, इसलिए ये बात गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सॉरी जो फोर का होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि लीव्स आर द मेन साइट ऑफ, देखो फिर से आगे क्वेश्चन, अब देखो चेंज कर दिया क्वेश्चन, लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे बोला गया था कुछ और, यहाँ पे बोला क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द लीव्स, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द लीव्स, क्योंकि लीव्स अब यहाँ पे सही है, आर द मेन साइट ऑफ, मेन साइट ऑफ मेन बोल रहा है ना, ओनली बोल देता तो गलत हो जाता, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, ए हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट, देखो वहाँ पे केवल जो हम इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे क्या था, केवल इथेनॉल लिखा था, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करें, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, दोनों होता है, ठीक है, वहाँ पे केवल लैक्टिक एसिड नहीं बल्कि इथेनॉल था, यहाँ पे लैक्टिक एसिड कर दिया, ये बात सही है। और फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस इन प्रोकैरियोट सेल्स ओनली, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली नहीं होगा, यहाँ पे किसी में भी हो सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड तो मसल्स में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में हो सकते हैं, प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज मीन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय पायरोबिक स्केलेटन सेल्स, है ना, एज ए रिजल्ट फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारे स्केलेटल सेल्स में या मसल सेल्स में हो जाते हैं, किसके थ्रू, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, सेवन नंबर का, ठीक है। और इसका मतलब लैक्टिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड और थ्रू डाइजेस्टिव एंड ह्यूमन, लो पूरा का पूरा गलत, इसलिए एकदम बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है भाई साहब, एकदम ध्यान से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इंटू, देखो ग्लाइकोलाइसिस में पहला बात यहाँ पे जो एट नंबर जो बोल रहा है ये गलत है, ग्लाइकोलाइसिस ये पहला स्टेप तो है, ये बात सही है, इसमें दो स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्रेब्स साइकिल है, यहाँ पे क्या बोल दिया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ब्रेक कर दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें आप समझ लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, और क्रेब साइकिल में ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो केवल पाइरूवेट में ही कन्वर्ट हो पाते, केवल पाइरूवेट में ही कन्वर्ट हो पाते, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये क्या हो गया, एट नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसमें सोचना नहीं है। अब आ जाते प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक इन नेसेसरी डाइजेशन, ठीक है, तो बोला गया कि नाइन नंबर क्या बोल रही, नाइन नंबर समझिएगा कि प्रेजेंस ऑफ एसिल तो रहेगा तभी तो डाइजेशन होगा, ये बात सही है, और एसिल किल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन स्टमक, ये भी बात भी सही है, लेकिन ऊपर में एसिल में बोल रहा है कि वो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ऊपर में बात कुछ और हो रहा, नीचे में एसिल का फॉर्म, ऊपर में एसिल कहाँ प्रेजेंस होता है और क्या करता है, नीचे में एसियत का एक और काम, तो ऊपर में कुछ और बात, नीचे में कुछ और बात, और ये दोनों आपस में मिला हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, नाइन का भी होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ में, क्वेश्चन नंबर टेंथ में क्या लिखा गया भाई, देखिएगा, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक नॉट इन द बकल कैविटी, ये बात सही है ना, एब्सेंस एंड एब्सेंस ऑफ एसिडिक एनवायरमेंट इन बकल कैविटी फेल्स टू एक्टिवेट द प्रोटीएज़ एंड पेप्टाइड। अब यहाँ पे देखो बकल कैविटी में प्रोटीएज़ और पेप्टाइड कर क्या रहा है, ठीक है ना, ये बक्कल कैविटी में तो ये तो रिलीज ही नहीं होता, इसलिए ये गलत है, गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। टेन नंबर, इलेवन नंबर देखते हैं, बाइल इज द एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, बाइल एंजाइम कंटेन एंजाइम, देखो लिखा, जबकि बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, देखो वहाँ पे क्वेश्चन जो था यहाँ पे बस इतना ही दूर तक छोड़ दिया था, तो ये सही है, ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम की जगह पे अगर सॉल्ट कर देता तो ऑप्शन नंबर सी के जगह पे क्या हो जाते,
ए हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी के जगह पे ओ हो जाती है। वहां पे वो जो क्वेश्चन था वहां पे सॉल्ट लिख दिया था, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इमल्सिफिकेशन देखो, देखो क्वेश्चन मैच कर रहा है ना। इमल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। देखो वहां आफ्टर फैट आर इमल्सिफाइड द एंजाइम एमाइलेज गेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये आफ्टर फैट आर इमल्सिफाइड द एक्शन ऑफ एंजाइम एमाइलेज। एक बात बता दूंगा आपको, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए जरूरी भाई साहब, है ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए जरूरी। और हम लोग डाइजेस्ट क्या कर रहे हैं भाई, फैट, इसलिए गलत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, एसिड कन्वर्टेड पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, सही बात, क्योंकि ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव मोड में होता है इसलिए तो एसिड निकलते हैं ना। जब तक एसिड जो है पूरी तरह से हमारे फूड को एसिडिक नहीं बनाता तब तक पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इंटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन, ये बात भी सही है। मतलब कि 13 नंबर क्वेश्चन में जो है ये कुछ और बोला, यहाँ पे एसीएल का फंक्शन है और यहाँ पे पेप्सिन का फंक्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। अभी तक देख रहे हैं ना जितना क्वेश्चन आ रहा है उसमें बी सी डी आ रहा है, ए बहुत कम आ रहा, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस ए नहीं होते, बी सी डी में ही रहते हैं। बी बहुत आसान है, सी डी बहुत आसान है। सी में देखना है कि मेरा रीजन गलत है, और डी में देखना है मेरा एसेसमेंट गलत है, और बी में जो है ए एंड बी बोथ आर इन सेम बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू इच अदर। क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज कंटिन्यूस इन द लंग विदाउट इंटरप्शन इवन ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, मीन्स जो है 14 नंबर क्या बोल रहा है कि गैसियस एक्सचेंज होते रहता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दिक्कत, क्योंकि अगर दिक्कत हुआ सांस ले तो आदमी का क्या हो सकता है, मौत हो सकता है। अब बोला गया सुनिएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नेवर बी ड्राइवन और ब्रेड रेस्पिरेशन। अब बोला गया कि इसलिए इंटरप्शन के ये इसलिए होते हैं, 14 नंबर समझिएगा, गैसेस एक्सचेंज कंटिन्यूस इन द लंग्स विदाउट इंटरप्शन, मेरे बिना रुके हुए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सांस लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमारे लंग्स में एवरी टाइम जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसी का नाम तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, और इसी के कारण जो है रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसी के कारण क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं बिना कोई छेड़छाड़ के, इसलिए जो है 14 नंबर में जो बात बताई जा रही है वही बात जो है क्यों नहीं इंटरप्ट होता है, रुकते क्यों नहीं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंटरप्ट नहीं होते हैं, इसलिए इंटरप्ट नहीं होते हैं क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्रेशर फॉल एयर फॉल इन द थोरेक्स। ठीक है, इंस्पिरेशन मीन्स व्हेन वी टेक ऑक्सीजन, तो प्रेशर का एयर का जो होता है वो फॉल हो जाता है, तो गिर जाता है किसमें, थॉरेक्स के अंदर। ठीक है, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होता है कि सांस देने में ज्यादा दिक्कत, इसको समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कि बोला गया कि जब हम सांस लेते हैं, देखो सांस लेंगे नहीं सांस छोड़ेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मीन्स वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होगा कि सांस जब छोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, फॉल करेगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स, क्योंकि थॉरेक्स का, मैं थॉरेक्स कैविटी समझ रहे हैं ना, ये थॉरेक्स कैविटी है, थॉरेक्स कैविटी, सॉरी ये तो लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, थॉरेक्स कैविटी, ये कैविटी, इसलिए प्रेशर फॉल होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे है ना ड्यूरिंग, इसलिए क्योंकि राइज इन वॉल्यूम, राइज इन वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन देयर इज अ राइज इन वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स, यहाँ पे लिखा गया। इस क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ के समझा दूं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्रेशर ऑफ एयर फॉल्स इन द थॉरेक्स, क्यों क्यों प्रेशर फॉल होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर एक थॉरेक्स पे क्या होगा, प्रेशर कमेगा, समझ लीजिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा, अब वो नहीं लेना चाहेगा, जैसे ले लिए ऑक्सीजन तो अब वो अब दोबारा चाहोगे तो नहीं ले पाओ, एक बार जितना लेना ले लो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजनल, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे के ज़्यादा कन्फ्यूजनल क्वेश्चन से इसको छोड़ देते हैं। अब आगे क्वेश्चन आएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में प्रेजेंट हो, याद रखिएगा, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड लार्ज ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं।
बोला कि सिलियरी मूवमेंट प्रोपेल द म्यूकस एंड फॉरेन पार्टिकल्स टुवर्ड द लैरिंग्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलियरी एपिथेली इसलिए होता था कि हम जब अंदर से डस्ट पार्टिकल्स को खींचे, ऐसे करके खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर आ जाएगा। 16 नंबर, क्योंकि सीलिया उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, लिम्फ इन लिम्फैटिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। मतलब कि लिम्फ जो है, लिम्फैटिक सिस्टम जो होते हैं ना, वो मतलब लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। या बस एक बात को याद रखें, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, ये बात या फिक्स है। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आरबीसी नहीं होते, इसलिए गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब इसमें कुछ सोचना है नहीं, लिम्फ आरबीसी तो होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हार्ट ऑफ फिश कंटेन ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बॉडी से हार्ट में आते हैं, ना के गिल से बॉडी में जाते हैं और बॉडी से हार्ट में आते हैं, गिल से कभी हार्ट में नहीं जाते, क्योंकि उसके पास ओनली एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ही होते हैं इसमें, और इमेंस फोर चैम्बर नहीं बल्कि टू चैम्बर होती ही होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट रिटर्न बैक टू द हार्ट इन फिशेस। यहाँ पे बात समझ में आ गया, और 18 नंबर का यहाँ पे बोला गया, क्यों, क्योंकि इसलिए, क्योंकि चलो मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गिल्स है, गिल से ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, और बॉडी से कहाँ जा रहा है, ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर जाएगा गिल्स में, इसलिए जो है ऑक्सीजन कभी भी हार्ट में नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि हार्ट में केवल डी ऑक्सीजनेट ब्लड जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन ऑरिकल्स, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। द थिकेस्ट वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखो, थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ पे बस समझ में आ रहा बात, तो यहाँ पे 19 नंबर जो बात, ये यहाँ पे बैक फ्लो का जो फंक्शन जो है ना, वो किसके थ्रू होता है, वाल्व के थ्रू होता है, याद रखिएगा। इसलिए ये ऑप्शन थिक, बैक फ्लो केवल वाल्व करता है, थिकनेस मतलब थिकनेस का काम, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले जो सेट था उसमें मैंने आपको दिखाया था, सेम क्वेश्चन था वहाँ पे, वहाँ पे बात हो रही थी, वहाँ पे थिकनेस जो है वहाँ पे हार्ट से बॉडी तक भेज रहा था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे थिकनेस दिखा रहा था। यहाँ पे थिकनेस में उल्टा बोल दिया, बैक फ्लो नहीं, बैक फ्लो कभी नहीं, बैक फ्लो केवल वाल्व के थ्रू होता है, कभी थिकनेस से कोई मतलब उसे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे इसमें, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन याद रखिएगा, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट बोलते हैं। फ्लो द ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। और सिस्टमेटिक, देखो यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ के, यहाँ पे बस इतना ही अगर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी बात और यहाँ पे सिस्टमेटिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बिना कुछ सोचे कोई टेंशन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लेके चलते हैं हम आपको सामने, 21 में क्या बोल रहा है भाई साहब, देखिएगा थोड़ा सा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिजेंबल द प्रोटीन फ्री प्लाज्मा। देखो फ्री प्लाज्मा मीन्स रिजेंबल प्रोटीन फ्री इन कॉम्पोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पूरा का पूरा प्रोटीन जो है कहाँ चले आते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाते हैं, और प्लाज्मा जो है वो रिटर्न बैक चला जाता है, प्लाज्मा के अंदर सारा प्रोटीन, प्लाज्मा नहीं जाता, प्लाज्मा नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रोटीन प्लाज्मा बाहर छूट जाता है, उसके अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट्स है, वो ग्लूकोज, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, आयोन, सॉल्ट, वाटर एंड मिनरल्स, वो सारे के सारे जो ग्लोमेरुलस में आ जाते हैं। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वॉल एंड थिनर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इम्परमिएबल लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बोला गया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये इम्परमिएबल है, मतलब कि परमिएबल, इम्परमिएबल, बोएमस कैप्सूल में लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर जो है इम्परमिएबिलिटी है, मतलब वो नहीं ले पा, मतलब क्या बोला गया, फिर से सुन लीजिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टर रिजेंबल द प्रोटीन फ्री प्लाज्मा, मतलब प्रोटीन फ्री प्लाज्मा इन कॉम्पोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, द ग्लोमेरुलस वॉल एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोएमस कैप्सूल आर इम्परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब ग्लोमेरुलस का जो वॉल इतना ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि पतला होते हैं, कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर लेके आ जाते हैं, इसकी वजह से प्लाज्मा क्या आ जाता है, फ्री हो जाता है, मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ बचा हुआ नहीं रहता है, केवल केवल क्या होते हैं, ब्लड रह जाते हैं उसमें, मतलब कि प्लाज्मा रह जाते हैं,
सारे प्रोटीन सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी ऑफ द किडनी। ग्लोमेरुलर, पहला बात मैं आपको बता दूं, बता देना चाहता हूं मैं आपको कि कभी भी ग्लोमेरुलस में एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी की कोई आवश्यकता, एनर्जी कहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे जो होगा कंसेंट्रेशन जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन होगा, जहाँ पे जबरदस्ती किसी जगह पे जा रहा होगा तो वहाँ पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन अगर होगा वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होंगे यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मल देखो वहाँ पे कितना था, 80 आ गया था, 2075 बीट पर मिनट यहाँ पे, वहाँ पे था 80 दे दिया, इसलिए गलत हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कार्डियक में, और बोला है कि ड्यूरेशन क्या होता है 0.8 सेकंड का, मतलब दोनों के बीच में 0.8 सेकंड का गैपिंग होता है। कार्डियक सैक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट बीट, ये दोनों का बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों कार्डियक सैक में क्या समझ रहे ना, धक 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 दोनों के, ये किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा 72, 80, 80 से 90, 90 से 100, ये बीट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इस पे डिपेंड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होंगे यहाँ पे भाई साहब, 23 का ऑप्शन नंबर ए होंगे, ठीक है। 24 बस अब हम लोग खत्म हो गए। वेन हैव थिन वॉल्स विद वाल्व, देखो वाल्व आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखते हैं वेन इन नो लॉन्गर इन प्रेशर इंस्टेड वाल्व एंड फ्लो इन द ओनली वन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे वन डायरेक्शन बोल रहा है, वन डायरेक्शन का मतलब हो रहा है यहाँ पे बैक फ्लो। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन आया था कि वाल्व का फंक्शन बैक फ्लो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसी के बारे वाल्व के बारे में ही बताया जा रहा है यहाँ पे, क्लियर। चलिए और लास्ट क्वेश्चन हम लोग, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज, मान लीजिए अगर अभी अभी हम बॉडी करना शुरू करते हैं, अभी हम थोड़ा जिम जाना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। रैपिड ब्रीथिंग रेट सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, मतलब कि रैपिड ब्रीथिंग रेट जो है वो क्यों ऐसा होता है, ताकि हमारा बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को SLS रिवीजन कंप्लीट करा दी, अप्रोक्सीमेटली 47 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका लाइव प्रोसेस का एक भी क्वेश्चन नहीं घटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपसे बचने नहीं जाएगा, मतलब क्योंकि बायोलॉजी का हक, मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे सरसरे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन रहेंगे, इतना बना लेते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन आपका बचता नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप लोग उसको अच्छा से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लिए, बस देख भी लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, और बाकी स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा समझ में आ गया बात। तो मिलते हैं हम लोग अगले SLS रिवीजन में, आपको लेकर आ रहा हूँ मैं इसके बाद, क्योंकि ये छूट गया था मेरा SLS रिवीजन, इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूँ मैं जस्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद MCQ रखूँगा मैं आप लोगों को, क्या एस मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जो है उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। पहले मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का SLS रिवीजन रखूँगा, एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट नाउ द MCQ एंड जो उसका जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर जो भी रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।